एक्सटेंशन नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्सटेंशन किसी का नहीं होगा, सब हम लोग इसी हफ्ते रिटायर होने थे, लेकिन मुझे जल्दी कर देना पड़ता है या आज भी हो सकता है, तो मैं तो पहले से इस्तीफा जेल में लिए हूँ, ज़्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आज़ाद हूँ, मैं लड़ाई में कूद सकता हूँ, जेल जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, जिस तरीके से ये बात थी कि आप जो है किसानों की आवाज़ ज़्यादा उठा रहे थे, और वो किसानों की बात उठाना जो सरकार के समर्थन में नहीं था, वो वो मुझे सजा देने की कोशिश करेंगे। फकीर हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा मैं बिल्कुल नहीं डरता। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई जांच वगैरह ये सब कुछ? 100 जांच कर लें और अपनी एक करा दें तो पता चल जाएगा। मैं तो अपनी कराने को तैयार हूँ, ये तैयार है क्या कराने? आपने कभी कहा नहीं कि कौन कौन से मामलों में जांच होनी चाहिए? मैंने उनको बताया, 2 मामले तो बताए जिनमें 150 करोड़ था, उनमें कोई जांच नहीं, पर वो मैंने कैंसिल कर दिए थे, जांच की ज़रूरत नहीं रही। फिर मैंने एक मिनिस्टर का बताया कि वो फ़ोन करता है कि आपके यहाँ से बोल रहा है, उसे कहा उन्होंने कि हटाऊँगा, फिर हटाए। इसी तरह गोवा का भ्रष्टाचार बताया, कहने लगे नहीं तुम्हारी जानकारी गलत है। मैं कहा साहब, मैं इसको ठोक के कहता हूँ कि मेरी जानकारी सही है, और ये पैसा खा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में, ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता। लेकिन उसको रखा और अब भी उसी को रखे हुए हैं, मुझे मेघालय भेज दिया, तो मैं इनके इस नारे में नहीं आता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सर, जनसेवा के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे? राजनीति का नहीं है, आंदोलन। राजनीति तो बहुत लोग कर रहे हैं। 2024 को लेकर क्या रणनीति रहेगी? अब मैं तो देखो, रणनीति तो वो बनाएंगे जो चुनाव लड़ेंगे, पर मैं तो जहां वो लड़ाई हो रही होगी उसमें जाऊंगा, मदद करूंगा। आप चाहते हैं कि 2024 में NDA या भाजपा रिपीट हो? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं, जब तक ये जो सवाल मैंने बताए हैं ये पूरे ना हो, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो रिपीट हो। आज सर कश्मीर में डीजी जेल की हत्या हो गई। भाई साहब, श्रीनगर शहर में घुस के मार रहे हैं, CRP के कैंप में मार रहे हैं, BSF के लोगों को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, कोई इनके कंट्रोल में नहीं है बात। किसानों के आंदोलन का कितना सहयोग करेंगे आप? पूरा करूंगा, जेल जाना पड़ेगा जेल जाऊंगा। किसानों के लिए सिर्फ क्या राष्ट्रीय जनता दल आपकी ये पार्टी है कि और भी कोई पार्टी? में किसी में नहीं जाऊंगा, ना मुझे चुनाव लड़ना है, मैं तो जहाँ ऐसा जमावड़ा होगा वहाँ जाऊँगा। सर, RSS के दत्तात्रेय होसबोले ने गरीबी और मैं उनकी बात से सहमत हूँ, और उन्होंने अच्छा काम किया कि वो बोले, चूँकि दिल्ली तो आँख मूंद के पड़ी है कि जैसे कुछ है ही नहीं, बेरोजगारी भी नहीं है, गरीबी भी नहीं है। क्या आपका भी यही मानना है कि देश में सब कुछ सही नहीं है? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ सब सही नहीं है। देखिए, बेरोजगारी बहुत है और भुखमरी बहुत है, और आप समझिए कि बेरोजगारी के अलावा जो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो मिलती थी फौज की वो भी छीन ली, वो क्या ले आए अग्निवीर, उसमें तो 3 साल की नौकरी मिलेगी, कोई पेंशन नहीं होगी, क्यों मरेगा कोई उसके लिए? तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं सर, 2024 मेन लड़ाई है केंद्र सरकार की? वो तो ठीक है, अभी बहुत दूर है, मैं क्या कह सकता हूँ, करेगी तो जनता जो करेगी, पर मैं तो यही अपील करूँगा कि इनको हटाओ। क्या आपको दिखाई दे रहा है इनका विकल्प कोई? इनका विकल्प तो मैं ही हूँ, और किसकी बात करते हो, हर आदमी विकल्प है, आप भी हो, कौन नहीं है इनका विकल्प? और जब ये हटाए जाते हैं तो विकल्प नहीं ढूंढा जाता। 77 में जब हटाए थे तो कोई विकल्प नहीं था, लेकिन लोगों ने हटा दिया मिसेस गांधी को, इस बार भी विकल्प नहीं ढूंढेंगे लोग। सर, महागठबंधन का आप क्या भविष्य देख रहे हैं? मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूँ, इसका तो जो जनता करेगी वो करेगी। धन्यवाद।